मायसेल्फ भावना कुटोरिया, नर्सरी इंग्लिश। आज हम पढ़ाई करने जा रहे हैं लेटर ओ। ओके, ओ सर्कल जैसा ही है। ओ फॉर ऑरेंज, ओ फॉर ऑक्टोपस। ओके, ओ फॉर ऑक्स, ओ फॉर आउल, ओ फॉर ऑस्ट्रिच। ओके, ओ फॉर ऑरेंज ऑल्सो। यानी कि ओ लेटर से शुरू होने वाले कोई भी शब्द का वर्ड हम ओक लेटर ओ के साथ बोल सकते हैं। ओके, नाउ हियर द कलर दी ऑरेंज। ओके, ओ फॉर ऑरेंज, कलर दी ऑरेंज। व्हाट इज द कलर ऑफ द ऑरेंज, डू यू नो दैट? यस, नाउ ऑरेंज सीजन इज। ओके, विंटर में ऑरेंज आते हैं ना, अभी उसका कलर होता है ऑरेंज, उसका नाम भी ऑरेंज है एंड कलर ऑल्सो ऑरेंज। ओके, यू फील द दिस ऑरेंज विथ ऑरेंज कलर एंड ऑरेंज इज द फ्रूट और वेजिटेबल। वेरी नाइस, इट्स अ फ्रूट, ये फ्रूट में आता है और इट्स अ वाटरी फ्रूट, यानी कि उसके अंदर बहुत सारा वाटर ही होता है। तो वाटरी फ्रूट में क्या आता है? ऑरेंज, लाइम, स्वीट लाइम, वाटरमेलन, ये सब क्या आता है? वाटरी फ्रूट, यानी कि उनके अंदर पानी बहुत होता है। जैसे कि ऑरेंज का छिलका निकाल के भी खाएंगे तो उसके अंदर पानी ही होगा उसके पल्प में। ओके, यू फील कलर प्रॉपरली एंड ऑरेंज कलर। ओके, लाइक दिस। दिस इज ओ फॉर ऑरेंज। जॉइन द डॉट्स विद अ फिंगर एंड कलर द लेटर ओ। कलर द लेटर ओ, ओ को हमें ऐसे सर्कल करके इसमें कलर करना है। ओ फॉर ऑरेंज। ओके, एक सर्कल ही है पर हमें खाली इंग्लिश में लिखने के टाइम पे लाइन के दौरान नहीं लिखना है, थ्री लाइन का यूज करके। एंड यू कैन फील योर फेवरेट कलर। ओके, यहाँ आपका पसंदीदा कलर आप फील कर सकते हो। पेस्ट स्टिकर ऑफ ओ, ओ का स्टिकर पीछे से निकाल के आपको यहाँ पे लाना है। नेक्स्ट, ट्रेस द डॉट्स एंड मेक ओ। ओके, ओ फॉर ऑरेंज, ओ फॉर ऑक्टोपस, ओ फॉर ऑस्ट्रिच, ओ फॉर आउल, ओ फॉर ऑक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज 61। ओके, कलर द पिक्चर दैट स्टार्ट विथ ओ, यानी कि ओ से शुरू होने वाले चित्रों में हमें कलर बनना है। इधर आउल, ये आपका एच डब्ल्यू यानी कि होमवर्क है। ओके, एच डब्ल्यू ये आपका होमवर्क रहेगा, आउल में कलर करना है। क्यों? ओ फॉर आउल भी होता है, ओ फॉर ऑरेंजेस। ओके, वन है तो ऑरेंज, पर यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 की 6 ऑरेंज में आपको कलर करना है। देन हियर ओ फॉर ऑक्स, ऑक्स यानी कि बर्ड हमारे फार्म में होता है ना, फार्मिंग वर्क में लिए यूज होता है, तो ये इसको भी कलर करना है। ओके, देन यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ, हियर, हियर, हियर एंड दिस आउट, आपको यहाँ सारे कलर करने हैं। दिस इज योर एच डब्ल्यू होमवर्क। ओके, देन टेक आउट योर इंग्लिश नोटबुक एंड हाउ टू राइट डाउन ओ। ओ फॉर ऑरेंज। ओके, देन राइट हियर 4 times ओ। ओ, यू कैन टेक योर हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड ऑल एल्डर ब्रदर और सिस्टर। ओके, फिर आपको पेरेंट्स, मैंने पहले बताया बच्चे नहीं लिख पाते तो ओनली डॉट करके दो, लिख पाते हैं उनको खुद अपने हिसाब से लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाओ कि रेड लाइन से स्टार्ट करके ब्लू लाइन को टच करके फिर अगेन रेड लाइन अलग ही हमें लिखना
है लाइक दिस ओके, रेड लाइन को टच करके ब्लू लाइन को टच करके रेड लाइन तलक ओके, दिस इज अवर ओ फॉर ऑरेंज एंड वी हैव टू राइट ऑल द पेज प्रॉपरली. ओ फॉर ऑरेंज, ओ फॉर ऑरेंज ओनली टच द ब्लू लाइन, ऊपर की रेड लाइन से नीचे की ब्लू लाइन तक हमें टच करना है. ओ फॉर ऑरेंज ओके, वॉल पेज वी हैव टू राइट लाइक दिस, यू ऑल्सो राइट विथ मी. ओ फॉर ऑरेंज, 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 ओ फॉर ऑरेंज. नॉट ओनली ऑरेंज, ऑस्ट्रिच ऑल्सो, आउल, ओ फॉर ऑक्स ओके. ओ से शुरू होने वाले हम ऑक्टोपस कोई भी शब्द ओ के साथ बोल सकते हैं. लाइक दिस यू हैव टू राइट डाउन, सॉरी हाँ ओके, ब्लू लाइन तलक सॉरी हाँ, आपको भी ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है, ऑनली ब्लू लाइन तलक. नाउ अवर ओ इज रेडी ओके, एंड देन सेम होमवर्क टू पेजेस, हाउ मेनी पेजेस यू हैव टू राइट डाउन इन योर इंग्लिश नोटबुक, इंग्लिश नोटबुक में टू पेजेस ओ आपको लिखना है. थैंक यू फ्रेंड्स.